सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ मोटो राइड। और अभी मैं निकल चुका हूँ बदवान से, सो आई एम क्रॉसिंग बाजे प्रतापुर राइट नाउ एंड आई होप माय वॉइस इज़ कमिंग आउट क्लियरली। सो अभी मैं फ्यूल अप करूँगा। सो लास्ट फुल टैंक से अभी तक मेरा 153 किलोमीटर्स तक अभी राइड हो चुका है ऑलमोस्ट। सो लेट्स गो एंड फ्यूल अप माय व्हीकल अगेन वंस मोर एंड देन वी कैन कंटिन्यू बैक आवर जर्नी टू कोलकाता। इनको क्या हो जाता है, अचानक से रास्ता क्रॉस करना ही चाहिए इनको। सो अभी सिग्नल है, दुर्गापुर शायद राइट चली जाएगी, हमें कोलकाता की तरफ जाना है तो कोलकाता लेफ्ट की तरफ जाएगी। अरे तेरी, अरे बाप रे, क्या जैम हो रखा है भाई यहाँ पे। कोई सिग्नल नहीं है फिर भी इतना जैम है नीचे में, क्या बताए। बाइक का यही फ़ायदा है, आप कटा के निकल जा सकते हो, बड़ी गाड़ी होने से दिक्कत हो जाती है। पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा हमें कहाँ पे है। अरे भाई इधर भी क्लोज करना पड़ेगा, बहुत धूल मिट्टी आ रही है आँखों में। अरे भैया सुबह सुबह इतनी जैम। मिरर को अलाइन कर दिया है मैंने और अभी मेरा आवाज़ लग रहा है काफ़ी गूंज रहा है यहाँ पे। वाइज़र खुला ही अच्छा था, पर ये धूल मिट्टी का क्या करें। क्या यार, यहाँ से नो एंट्री कर दिया है। भैया देखो, एक साइड का आधा रास्ता तो पूरा ब्लॉक कर दिया, इमर्शन का कुछ प्रोसेसन होगा इसलिए लेफ्ट साइड का पूरा रोड ब्लॉक्ड है। मैं थोड़ा सा खींच लूँ यहाँ पे बाइक को, नहीं तो फिर जैम में अटका रह जाऊँगा इन टोटोज़ और फोटोज़ के बीच में। यहाँ पे कहाँ पेट्रोल पंप मिलेगी भैया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आज देखते हैं क्या होता है। व्हाट आर द चैलेंजेस मैन टुडे वी आर गोइंग टू फेस, लेट्स सी। थोड़े से झटका दिया मैंने अपने नेक को स्ट्रेच करने के लिए। भैया पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगी, देखते हैं। अभी हम लोग बदवान सिटी क्रॉस कर रहे हैं और सुबह सुबह अभी कोई सिग्नल नहीं है, फिलहाल सारे सिग्नल ओपन है ऑन येलो मोड। अरे भैया वाइज़र में तो कुछ ज़्यादा ही साउंड आ रहा है वाइज़र खोलने से, और बंद करने से काफ़ी साउंड गूंज रहा है। अरे ये रहा HP का पेट्रोल पंप है। मैं सही रास्ते ही तो जा रहा हूँ भैया, और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है यहाँ पे। दादा आलिशा बस स्टैंड सामने। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो ये रहा आलिशा बस स्टैंड। तो मुझे पेट्रोल पंप कहाँ से मिलेगी भैया, ये तो हाईवे निकल गया। पर पेट्रोल पंप नहीं दिखी। चलो भैया कहीं देखते हैं, हाईवे पे कहीं मिल जाएगी पेट्रोल, डेफिनेटली मिलनी तो चाहिए, इतनी कम पेट्रोल में तो अपना जर्नी पॉसिबल नहीं है पूरा होना। अरे भैया ओ भैया, अभी तक कोई पेट्रोल पंप नहीं दिखी भाई, कहाँ पे हो पेट्रोल पंप भाई। मेरा भी टंकी खाली होने वाला है, कल रात को ही भरा कर रख लेना चाहिए था मुझे लगता है। अब क्या करें, कोई आइडिया नहीं है मेरे पास क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। चलो आगे देखते हैं क्या होता है भाई। एक पेट्रोल पंप तो दिख रही है पर अपोजिट साइड में है, इस साइड में तो कोई दिख नहीं रही मुझे। अब मैं उधर कैसे जाऊं, इस पार वाली कहाँ है पेट्रोल पंप भाई। शक्तिगढ़ आ गए अभी, द मोस्ट फेमस प्लेस फॉर लैंगचार्ज। कोई टेंशन नहीं है भाई, चलो जहाँ पेट्रोल पंप मिलेंगी जो भी मिलेंगी वही भराना पड़ेगा अब लग रहा है। और क्या करें, मुझे दिखाई भी नहीं दे रही। मैं रुकूंगा तो सीधा पेट्रोल पंप पर ही रुकूंगा, रिकॉर्डिंग हो ना हो। चलो भाई रिकॉर्डिंग तो शुरू हो गई, तो मैंने तब से क्या बकबक किया कुछ समझ में नहीं आया, रिकॉर्डिंग हुई नहीं लग रहा है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम रिटर्निंग बैक फ्रॉम वर्धमान टू
कोलकाता। सुबह के टाइम हो चुका है 8:44 और अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं पालसिट की तरफ जा रहा हूँ। सो लेट्स गो। और नेक्स्ट पेट्रोल पंप स्टॉप पे मुझे पेट्रोल भरानी ही पड़ेगी। बस अपनी पेट्रोल अब ख़त्म होने ही वाली है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। पेट्रोल पंप मिला दे भगवान, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाकी सब आपके। जानकुनी स्टेट रसूलपुर लेफ्ट, सो वी विल बी गोइंग स्ट्रेट नाउ। कैन सी अ पेट्रोल पंप 1 किलोमीटर अहेड, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, लेट्स सी। पावर नहीं, और कत दूर पर पावर আছে, কত দূর? ইন্হোনে তো কে রিয়া পাওয়ার নেই হ্যাঁ, চলো দেখতে আগে আর কত দূর মিলেগি পেট্রোল। সব তো ইধারসেই যা রে, চলো ইধারসেই যাকে দেখতে হ্যাঁ ক্যা হ্যাঁ। পুরা পোপট বন গিয়া, কাল রাত কোই পেট্রোল ভরা লেনা চাহিয়ে তো, আজ সুবহ সুবহ ইতনি লেট নেই হোতি। चलो ये पालसी टोल बूट आ गया है, पर अपने को साइड से जाना है, लेफ्ट साइड से। यहाँ से जाने का है अपने को। पर यहाँ से निकलेगी किधर भाई, ये तो बहुत घुमा दिया रास्ते को। चलो भाई, आज तो पूरा पोपट हो गया पेट्रोल को लेके, क्या करें। एक और तो दिखी पेट्रोल पंप, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि हेलमेट के अंदर से कुछ दिख भी रहा है कि नहीं, बट आई होप रिकॉर्डिंग ठीक ठाक ही हो रही होगी। यार काफ़ी दूर हो गया पेट्रोल पंप तो, पर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी उतना फ्यूल है, चला लेंगे भाई। ये रास्ता तो बना दिया गया है, थोड़ा बहुत तो पैचवर्क हुई है, पहले तो इससे भी बेहतर थी, कम से कम अभी तो काम चलाऊ हो गई है। दो SBSTC बस, भाई कितनी दूर मिलेगी अब पेट्रोल पंप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। फिर से डाइवर्जन, भाई ये डाइवर्जन का किस्सा खत्म क्यों नहीं होता भाई। आप ऐसे गाड़ी चलाओगे तो कैसे होएगा। भैया ये रोड तो काफी सही है भाई, सुबह के टाइम में तो काफी सही है भाई, बाकी का मैं बता नहीं सकता अभी तक तो। फिलहाल तो बैड पैचेस मैंने भी देखना शुरू नहीं किया है, बट ये दूसरा पत्थर दिन का, आई डोंट नो व्हाई इतने सारे पत्थर छिटक के आ रहे हैं। मे बी दी रोड कंस्ट्रक्शन इज स्टिल नॉट वेरी गुड एक्चुअली। ओह एक और पेट्रोल पंप दिख गई है भाई, भगवान प्लीज इसमें मुझे पावर पेट्रोल मिला देना भाई। थैंक यू गॉड, थैंक यू। भैया तुम लोगों की ओवरटेकिंग से मैं परेशान हो गया भाई।
तो एचपी है, एचपी की पावर देखता हूँ मैं, मिलेगी तो भरा लूँगा और क्या करूँगा मैं। ये तो खुली भी नहीं लग रही है मुझे तो। पावर आचे? पावर नहीं। चलो भाई पावर तो नहीं मिल रही है, अभी एक लीटर नॉर्मली भरा लेते हैं, फिलहाल देखा जाएगा जो भी होगा। 2 लीटर दिए दिन ऑनलाइन कैश जा बोल रहे हैं। हाँ दिन बोलती पावर हो ना आगे पर पावर कथा हो अनेक दूर था गाँव। 2 लीटर दिए दिन कैश चले जाएगा मोटामोटी, डिस्पेंस हो ना। अरे की हल चलते ना कि करते हुए ओ मैंने फर्स्ट डिस्पेंसिंग को टेस्ट करते हुए जेटा 5 लीटर बार करते हुए। अच्छा भाई चलो पावर पेट्रोल तो नहीं मिली, नॉर्मल पेट्रोल ही भरा लेते हैं और यहाँ हाईवे में और कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी इसके भरोसे रहेंगे तो होगा, जो मिले वही सही। হ্যাঁ 2 লিটার দিয়ে দিন। হ্যাঁ আমি যাবো এয়ারপোর্ট অবধি, আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সকালবেলা করতে হয়। হ্যাঁ আমি জানি, আচ্ছা 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 আচ্ছা184। अभी मैंने फिर से फ्यूल अप किया 2 लीटर, अभी देखते हैं यहाँ से कितना दूर जाते हैं। ओके थैंक यू दादा, ओके चलो भाई। पीछे SBCC बस आ रही है, दौड़ते दौड़ते हम लोग को आगे पहुँचना पड़ेगा। और भाई साहब मैं क्लोज कर लूँ नहीं तो फिर से पत्थर उठक के आ जाइए। चलो अब मैं फुल थ्रॉटल मारता हूँ। यो एक और पत्थर, कोई पत्थर से ना मारे मेरे हेलमेट को। पीछे आ गई बस, मेरी स्पीड काफी स्लो रखी है, फुल थ्रॉटल में भी 87 ही दे रही है। बगल से गाड़ी निकल गई, पता भी नहीं चली। अरे इतना रास्ता खराब करके रखा है कि क्या बोले यार, पूरा थ्रेडिंग निकाल के रखा है रास्ता का, पूरा थ्रेडिंग बना दिया है, इतना स्किड कर रहा है कि क्या बोले। ये स्क्रैच रोड करके रखा है, कहाँ मुँह नहीं है, रिपेयरिंग हो नहीं रही है। धने खाली जैम शुरू क्या भैया, डोमिनार आ गए 400। ओ भैया बहुत गर्मी है, ओहो पान का पीक फेंकना ही नहीं, तो फेंक दे भाई उधर ही फेंक दे। 9:26 रास्ता शुरू हो गई क्या। भैया क्या रिकॉर्डिंग करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे रास्ता है वो डक करके चलाने का इच्छा कर रहा है, बट अभी काफी झुकना पड़ेगा।
पड़ रहा है। अरे भैया क्यों ऐसा कर दिया मेरे सामने में आके, भाई मेरी क्या खता है। सुनाइए नहीं दे रहा है हमको, तो बोले क्या, पता है क्या, ये सुबह का मौसम थोड़ी शानदार, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी फॉगी और राइट तो अपनी जबरदस्त चल रही है भाई। भैया आगे बढ़ो। तो भैया क्या कर रहे हो तुम लोग, गाड़ी का नाम खराब करके रख दिया तुम लोग तो। भैया कितने सारे बड़े बड़े ट्रक दिख रहे हैं मुझे, तो कैसे क्रॉस करेंगे इनको, रास्ता भी सही नहीं है यहाँ पे, काफ़ी खुरदुरा सा रास्ता है, रफ रफ लग रहा है, टायर पूरे स्क्रैच हो जाने वाले हैं, इतने स्लिपरी लग रहे हैं, क्या बोलूँ, हैंडल वोबल हो रही है ऐसे रास्तों में तो। कितना बदबू आ रहा है यहाँ पे, तो फिर से गंदे रास्ते आ गए। भैया स्क्रैचेस मत किया करो, टू व्हीलर्स को बड़ी असुविधा होती है ड्राइव करने में। दानपुनी स्ट्रेट, बहुत बदबू आ रही है, बेहूदा बदबू आ रही है। 40 किलोमीटर भी नहीं हुई, पेट्रोल खत्म हो गई। दानपुनी आ गए, जाम शुरू हो गई, टोल बूथ थी वो, और हम लोग दानपुनी जा रहे हैं। मैं तो भूल ही गया कि कौन कौन से टोल बूथ पड़ते हैं वहाँ पे। ये दूसरी टोल बूथ थी बदवान की तरफ से। चल रहा भैया, बाप रे कितनी धूप है रे भाई। अब कौन से रास्ते जाना है यार, बिलूर के लिए लेफ्ट जाना है तो यही रास्ते से तो जाते हैं। भैया यहाँ तो भाई ट्रैफिक जाम का अंत नहीं है भाई। ये रहा टर्न अबाउट का राइट टर्न एंड देन वी हैव टू टेक लेफ्ट फ्रॉम हियर सीधा एयरपोर्ट की तरफ, ठीक है ना। चलो भैया भागे यहाँ से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मज़ा भी आया चलाने में, बट वही फ्यूल का इश्यूज ने लेट करा दिया, क्या करें, कल रात को ही फ्यूल अप करा के रखते तो अच्छा रहता, बट ये फ्यूल एफिशिएंसी नहीं हुई पता नहीं क्यों। ये रहा डनलप का मेट्रो स्टेशन, ये है बड़ा नगर मेट्रो स्टेशन, अय्या बड़ा नगर मेट्रो स्टेशन और डनलप मेट्रो स्टेशन ये कहते हैं। अरे भैया सरदर्द बना के रखे हो तुम लोगों ने इस हाईवे को।
ठीक।